चंद्र ग्रहण के समय करे सात में से एक उपाय, इतना भरसेगा रुपया पैसा संभाल नहीं पाओगे। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। इस बार चंद्र ग्रहण कुछ खास है क्योंकि आज के दिन अगर आप कुछ उपाय कर ले तो आपके घर में लक्ष्मी और कुबेर का वास हमेशा के लिए हो जाएगा। आपको ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है। हम आपको ऐसे ही कुछ सात उपाय बताने जा रहे हैं जिनमें से एक भी यदि आपने विधि पूर्वक कर लिया तो विश्वास करिए आपके घर में धन वैभव और दौलत की कमी नहीं रहेगी। रुपया पैसा आप संभाल नहीं पाएंगे, इतनी अद्भुत कृपा महाता महालक्ष्मी की आपके ऊपर हो जाएगी। तो सबसे पहले पहला उपाय हम आपको बताते हैं, चंद्र ग्रहण के समय आपको 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपके पास कोई माला नहीं है तो हाथ से गिन करके मंत्र को 108 बार आप जाप कर सकते हैं। जाप के बाद अपनी आंख बंद करके माता लक्ष्मी जी से आप प्रार्थना कीजिएगा कि लक्ष्मी जी आप कुबेर भगवान के साथ हमारे घर में पधारिएगा। याद रखें, जब किसी भी प्रार्थना का फल तभी मिलता है जब पूरे विश्वास और भावना के साथ में हम भगवान का स्मरण करते हैं। इसी के साथ दूसरा उपाय हम आपको बताते हैं, ग्रहण के बाद आपके घर में पूजन स्थान पर शुद्ध होकर के पवित्र अवस्था में स्नान करने के बाद काली गाय के घी का दीपक बना करके अखंड ज्योत जो है पूरे 24 घंटे के लिए लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की जो है वर्षा होने लगेगी। तीसरा उपाय है, आपको 100 ग्राम शुद्ध शहद लेना है और ग्रहण काल के दौरान या फिर ग्रहण के बाद अपने आसपास मौजूद किसी भी जलाशय, नदी, नहर, तालाब, समुद्र या ऐसे स्थान पर आप जो है सच्चे मन से शहद की धारा लगा देना, जिस स्थान पर कम से कम 100 लीटर पानी अवश्य होना चाहिए। उस जल में यदि आप जल में शहद की धारा लगा देंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में माता महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार चौथा उपाय है, ग्रहण के बाद स्नान करके जरूरतमंद लोगों को काला कंबल, काले तिल और भोजन या फल या मिठाई का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद दरिद्रता, गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और आपके घर में देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर हमेशा के लिए स्थायी रूप से निवास करेंगे। इसके बाद पांचवा उपाय आता है, आपको एक नींबू लेना है। नींबू बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, दाग धब्बे या सड़ा हुआ या पुराना बहुत ज़्यादा नींबू बेकार सा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा एकदम ताजगी भरा नींबू आप लीजिएगा और नींबू को हाथ में रखिएगा और ग्रहण के समय आपको यह क्रिया करनी है, आँख बंद करके सबसे पहले आपको माता महालक्ष्मी का स्मरण करना है और ध्यान करना है कि हमारे घर में जो है माता महालक्ष्मी का हमेशा हमेशा के लिए निवास रहे। और उसके बाद आपको नींबू के ऊपर लाल रंग का कुमकुम का एक छोटा सा टीका लगा देना है। इसके बाद उस नींबू को जो है हाथ में रख करके अपनी सारी परेशानियों का आप उच्चारण कर देना, आपकी जो भी समस्याएं हैं वह सब वह नींबू को बता देना, सुना देना। ऐसा करने के बाद उस नींबू को छत या आंगन में जा करके नींबू को रख देना, अगली सुबह नींबू को उठा करके किसी बहते हुए पानी में प्रभावित कर देना। यदि बहता पानी नहीं मिले तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोद करके उस नींबू को गाड़ देना। इस उपाय को करने के बाद आपके घर से सारी नेगेटिविटी चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो सकेगा। इसके बाद छठा उपाय है, बाजार से आपको एक बंद ताला लेकर के आना है। याद रखें, दुकानदार भी इस ताले को खोल करके न दिखाएं, बंद ताला ही घर पर लेकर आएं और एक सफेद कागज में एक चम्मच काला तिल, एक चम्मच काली उड़द की दाल और एक गुलाब का फूल रख करके अलग अलग तीन पुड़ियां कागज की बना लेवे। तीनों पुड़ियों को ताले के साथ जो है काले कपड़े में बांध करके रख दे। ग्रहण की रात इस ताले को छत पर रख दे या आंगन में रख दे या घर के बाहर कहीं पर भी रख दे। ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन स्नान करके वह ताला और जो आपने पुटली बनाई है वो सब जो है प्रार्थना करके चुपचाप जा करके शनि भगवान के मंदिर में या शंकर भगवान के मंदिर में रख करके आ जावे और उसके बाद जो है प्रार्थना करे और जिस दिन जो है उस ताले को जो कोई भी खोलेगा
आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खुल जाएगा और आपके घर में जो है माता महालक्ष्मी का हमेशा हमेशा के लिए वास होने लगेगा। सातवां उपाय है, एक साबुत लौंग ले। लौंग जो कि खाने में उपयोग होता है, इलायची के साथ लौंग आता है, काले रंग का जो लौंग आता है, लौंग को अपने हाथ में जो है सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद करके रख ले और अपने घर के मुख्य द्वार से अंदर तक कमरे के 3 उल्टे चक्कर काटे, अर्थात अंदर से पीछे की तरफ जाएं और वापस घर के मुख्य दरवाजे पर आए। मुख्य दरवाजे की चौखट पर लौंग को रख दे, जहाँ पर डेहली होती है वहाँ पर रख दे, फिर घर के सारे सदस्य उस लौंग को स्पर्श करवाए अर्थात हाथ लगाएं और अपनी अपनी इच्छाएं बोल दे। जो भी इच्छाएं हैं वह उस लौंग के सामने उच्चारण कर दे, फिर उसको जो है एक जल के पात्र में रख दे और उसके बाद उसको जो है पानी गर्म करे, एक पात्र में उस लौंग को उबाले, अच्छी प्रकार से उसको उबाल ले। इस लौंग वाले पानी से परिवार के सभी सदस्य स्नान करें और उसके बाद जो लौंग बचा हुआ रहता है उसको अपने तुलसी क्यारे में, जहाँ पर तुलसी का पेड़ होता है, वहाँ पर मिट्टी में दबा देना। इसके बाद यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे जा करके उस लौंग को दबा देना या जल में उसको प्रवाहित कर देना। ऐसा करने से आपकी हर परेशानियों का अंत हो जाएगा और आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएगी। यह उपाय आपको ग्रहण काल में 11:54 से लेकर के रात्रि 3:49 के बीच में अवश्य ही कर लेना है। यदि किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं तो ग्रहण के बाद स्नान करने के बाद भी इन उपायों को किया जा सकता है, लेकिन सूर्योदय के पहले पहले आपको ये उपाय अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए। जिस रात्रि में चंद्र ग्रहण होता है उस रात्रि में ही इन उपायों को किया जाता है तो उसका पूरा पूरा फल और उत्तम और हमेशा के लिए स्थायी फल की हमें प्राप्ति होने लगती है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।